हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं आज एक एंटासिड सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको खाने से क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा ये सिरप किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको राबेमैक MPS सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए पहले देख लेते हैं उसको किस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैकलर्ड कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैकलर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता होगा। देखिए दोस्तों, मैकलर्ड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। जैसे कि मैकलर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसका कंपोजिशन आइए देख लेते हैं क्या क्या है। दोस्तों उसका कंपोजिशन देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड 250 mg 250 mg है दोस्तों। उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड IP वो भी 250 mg, मतलब 250 mg है। स्टीमोक्लोनिक IP 50 mg, ये था उसका कंपोजिशन। देखिए दोस्तों, आइए जानते हैं ये सिर्फ किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों एक मैंने पहले ही बता दिया था, ये एक एंटासिड सिरप है दोस्तों। यह आपके पेट के गैस के कंडीशन में यूज़ किया जाता है। आपके पेट में खाना ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डकार आ रहा है, आप जो खाना खाते हो पेट से ठीक से पचता नहीं है, आपको उल्टियाँ लग रहा है खाना खाने के बाद, आपको भूख ठीक से नहीं लग रहा है, जो भी खाना खाते हो ठीक से डाइजेशन नहीं होता है, आपको भूख भी नहीं लग रहा है, आपको हार्ट ब्लोटिंग हो रहा है, मतलब खट्टे डकार आता है जाता है, आपको सीने में जलन होता है, आपके सीने में बहुत ज़्यादा जलन होता है, आप जब भी खाना खाते हो वो ठीक से पेट से डाइजेशन होता है, आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होता है, खाना हजम होने की प्रॉब्लम होता है, बार बार पेट में गैस बन रहा है, आपका लैट्रिन ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होकर इन्फेक्शन हो गया है पेट में, जैसे कि आपका खाना ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा है, पेट में आपके गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो गया है, मतलब आपके पेट में जो गुड बैक्टीरिया खाना डाइजेशन करने की काम करते हैं वही बैक्टीरिया आपके पेट में ख़त्म हो गया है, मतलब वो ठीक से खाना को डाइजेशन नहीं कर पाते, पेट से ठीक से पचा नहीं पाते, उसी वजह से आपका खाना ठीक से डाइजेशन नहीं होता है। इस कंडीशन में आप राबेमैक MPS सिरप यूज कर सकते हैं। ये एंटासिड सिरप है दोस्तों, जैसे कि आपके इंडाइजेशन के प्रॉब्लम में, खाना डाइजेशन के प्रॉब्लम में ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा है, इन्हीं कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द कर रहा है, इन्हीं कंडीशन में ये दवाई आप यूज़ कर सकते। ये था ये दवाई का यूज़ करने का प्रोसेस। ये दवाई किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है, जैसे कि एडल्ट डोजेस दिन में 3 बार यूज करना है, सुबह 10 ml, दोपहर को 10 ml और रात को 10 ml। खाना खाने के बाद दवाई यूज करना है, सुबह दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद यूज करना है। ये दवाई सभी पेशेंट यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये शुगर फ्री बेस्ड आता है, मतलब शुगर पेशेंट भी ये दवाई यूज कर सकते हैं। जिन व्यक्ति को डायबिटीज है वही पेशेंट भी, मतलब डायबिटिक पेशेंट भी ये दवाई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये शुगर फ्री बेस्ड आता है, डायबिटिक पेशेंट को खाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, खास करके डायबिटीज पेशेंट को खाना डाइजेशन इनडाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा, मतलब उनके इंसुलिन की कमी के वजह से खाना ठीक से डाइजेशन नहीं होता है, उन्हीं कंडीशन में ये दवाई आपको बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। राबेमैक MPS सिरप मैंने बता दिया इनको किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है। ये एक बोतल में दोस्तों, मैंने एक बात बताना ही आपको भूल गया था दोस्तों, ये मिंट फ्लेवर में आता है दोस्तों, मिंट फ्लेवर में आता है, जैसे कि ये टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आप घर में मिंट खाते, मिंट मतलब तुलसी का पत्ता, जैसे कि तुलसी का पत्ता खाते, वही प्रकार का टेस्ट इसका लगेगा दोस्तों। फ्लेवर में भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ये था राबेमैक MPS सिरप के बारे में जानकारी, इसको किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर, आपके नज़दीक के फार्मासिस्ट के दुकान पर या मेडिकल पर आपको मिल जाएगा यह दवाई। ये आपको परचेस करके यूज कर सकते हैं आपके एसिडिटी के कंडीशन में।
ये आपको मिल जाएगा दोस्तों, यूज करके परचेस करके यूज कर सकते हैं, मैंने जिस कंडीशन में बताया। आइए देखते इसमें कितने ml लेता है। देखिए इस ये तो पहले देख लिया था आपने। देखिए दोस्तों उसका पैकेजिंग ऐसा रहता है, एक बोतल में रहता है, देखिए दोस्तों एक बोतल में 200 ml रहता है, 200 ml रहता है। 200 ml का प्राइस भी देख लेते हैं, बहुत कम पड़ता है दोस्तों, 88 rupees पड़ता है दोस्तों। और किसी दूसरे कंपनी का कंपेरिज में दोस्तों पॉलीकोल्ड हो या जैसे कि जेलोसिल हो या डाइवल हो, बहुत ज़्यादा 100 से ऊपर पड़ता है, 137 150। और भी दूसरे कंपनी के एंटासिड है 200 रुपया 250 रुपया है दोस्तों। ये राबेमा के MPS एंटासिड सिरप दोस्तों मैकलेड कंपनी का बहुत जाना माना प्रोडक्ट है दोस्तों, किसी भी फार्मासिस्ट दुकान पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये बहुत कम कीमत में मिलता है, यही उसका फ़ायदा है दोस्तों। 88 rupees में बहुत अच्छा कंपनी का अच्छा एंटासिड आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये था, ये आप लाके अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब किसी भी को मनी का प्रॉब्लम है वो लाके यूज़ कर सकता है ये सिरप को। जैसे कि मैंने बताया जिस कंडीशन में ये सिरप लाके आप यूज़ कर सकते हैं। ये था राबेमैक्स सिरप के बारे में जानकारी दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर दूसरे वीडियो में।